हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। रिएक्ट डेयर सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि एक एपीआई कैसे बनाते हैं और साथ ही हम उसको टेस्ट भी करेंगे। देखिए, एपीआई को टेस्ट करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसको हम पोस्टमैन भी बोलते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम फिलहाल फेक सर्वर यूज करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक साइट विजिट करना है। यहाँ पे आपको लिखना है जेसन फेक सर्वर। ये जो आपका लिंक है गिटहब टाइप आई कोड जेसन सर्वर, इसे आपको क्लिक करना है। आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक लिंक मिलेगा npm install -g जेसन सर्वर, इसे आपको कॉपी कर लेना है और इसे आपको पहले इंस्टॉल करना है। तो कॉपी किया, आप टर्मिनल स्टार्ट कर सकते हो। तो न्यू टर्मिनल गया, यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है cd, इसमें गया और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी कर देना है। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इसको यहां से कॉपी कर लो। इसे हम खुद से भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें टेस्ट करना है। इसे कॉपी कर लिए, अब आपको क्या करना है, जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में एक आपको फोल्डर बनाना है और जो फोल्डर रहेगा वो db रहेगा। इस फोल्डर में आपको एक फाइल क्रिएट करना है db.json और यहां पे आपको कंट्रोल वी कर देना है। ये आपका डेटा आ गया, कंट्रोल एस किया। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाला लिंक है ये, इसको कॉपी करना है। आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और इसमें आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है। तो cd हमारा कोडिंग फोल्डर है, इसमें हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और इसमें आपको जाना है db वाले फोल्डर पे। तो db गया और फाइनली इसे पेस्ट कर दिया। तो देखिए, ये आपका लिंक है। इस लिंक के थ्रू आप टेस्ट करोगे कि आपका जो API डेटा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसिकली आपका ये डेटा हो गया। API डेटा आप JSON के फॉर्मेट में मैक्सिमम केस में रखते हो, तो हम ऐसे ही फॉर्मेट में बनाने वाले हैं। तो यदि इस लिंक को आप विजिट करोगे तो आपको जो भी पोस्ट में डेटा है वो सारा आपको शो हो जाएगा। तो इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट किया और यहाँ पे आपको लिखना पोस्ट। तो देखिए, ये आपका जेसन वाला जो डेटा है ये शो हो गया। सेम यहाँ पे आप कमेंट्स लिख सकते हो, जो आपका सेकंड वाला है। देखिए, ये वाला डेटा आपको शो हो गया। अब सपोज आप खुद बनाना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी डेटा है इसको यहाँ से रिमूव किया। आपको एक कर्ली ब्रैकेट देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक की देना है जो आपकी मेन की होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कमेंट देते थे तो ये आपका शो हो जाता था। तो यहाँ पे आपको वैसा ही कुछ देना है, जिसे बेसिकली आप backslash लिख के कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हम यूजर के नाम से बनाते हैं, तो यूजर बना दिया। उसके बाद एक कॉलन देना है, उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है। ये हो गया। अब आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। अब यहां पे आपको सारे प्रॉपर्टीज लिखने हैं। तो पहले आईडी वाला की लिया। ध्यान में रखना कि ये डबल कोट में आएंगे। id1 हो गया हमारा कॉमा, फिर सपोज यहां पे नेम ले लिया, नेम हमारा संजीत हो जाएगा। ईमेल भी रख लेते हैं, तो यहाँ पे ईमेल कर लिया। यहाँ पे हमने sanjit@gmail.com कर दिया और यहाँ पे फोन रख लिया। फोन किया, यहाँ पे आप दे सकते हो 9877667, कुछ भी ले सकते हो। हम फिलहाल के लिए तीन ही डेटा रख रहे हैं। यहाँ पे कॉमा दिया और हम सेम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, मंजित कर लेते हैं। यहाँ पे ये कर दिए और यहाँ पे आईडी ले लेते हैं 2, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी m ले लेते हैं, यहाँ पे r ले लेते हैं, यहाँ पे h ले लेते हैं और यहाँ पे p ले लेते हैं। फोन नंबर भी आप चेंज कर सकते हो,
यहाँ पे 8 कर दिया, 7 कर दिया, 9n कर दिया और यहाँ पे 97 कर दिया, इसको सेव किया। अब आपको क्या करना है, जो आपने कमांड चलाया था उसे आपको फिर से चलाना है, तो यहाँ पे फिर से वही कमांड चला दिया डीबी वाले फोल्डर में। तो देखिए ये आपका चल गया है, ये बोल रहा है कि आपको ये वाला यूआरएल देना है, तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे गया, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट है और यहाँ पे आपको यूजर देना है, एंटर किया। तो देखिए जो भी आपने एपीआई बनाया वो यहाँ पे सारा शो हो गया। तो इस तरह आप एपीआई बनाते हो, एपीआई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो आप जेसन फॉर्मेट में डेटा बनाते हो यही आपका एक एपीआई कहलाता है, जिसे आप इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब जो हमने लास्ट टाइम में एपीआई कॉल किया था, जिसे हमने बूटस्ट्रैप के थ्रू डेटा को डिस्प्ले करवाया था, सेम हम इस वाले डेटा को करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका app.js है यहाँ पे, ये तो सेम रहेगा, आईडी नेम इसको यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से भी इसको रिमूव करना है, हमारा रहेगा आईडी नेम ईमेल और फोन, ये हो गया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला रिमूव करना है क्योंकि ये हमारा नहीं है डेटा, ईमेल रहेगा और फोन रहेगा, ये आपका हो गया है। और अब आपको क्या करना है, जो ये यूआरएल है इसे यहाँ पे कॉपी करना है और फाइनली इस जगह पे आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया। अब हम इसे रन करवाते हैं, तो टर्मिनल पे जाके npm स्टार्ट किया, ये npm स्टार्ट बेसिकली आपका रिएक्ट वाला है। तो देखिए 3000 पोर्ट पे हमारा ये वाला चल रहा है, तो इसीलिए इसने पूछ रखा है कि 3000 पोर्ट पे ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो इसीलिए आप किसी दूसरे पोर्ट पे इसे चलाना चाहते हो या नहीं, तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ, तो ये 3001 पोर्ट पे चल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे फाइनली आपका शो हो गया है। देखिए बीच में थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप क्या करना, इसे फिर से यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेना या फिर से आप वो कमांड चला लेना, तो वो फिर से रन हो जाएगा। तो जो भी आपने एपीआई बनाया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह आप एक एपीआई बनाते हो और उसे टेस्ट करते हो। आने वाले वीडियोज में हम ये भी देखेंगे कि एक पोस्टमैन में हम डेटा को कैसे बनाते हैं और एपीआई को कैसे टेस्ट करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।